सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने आधार कार्ड को PVC कार्ड के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को देखकर आप भी अपना आधार कार्ड को PVC कार्ड पे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपना Google Chrome ओपन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको uidai.gov.in, ये आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ये डाल देना है आपको। उसके बाद में एंटर कर दीजिएगा। फिर आप लोगों के सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आधार PVC कार्ड, तो यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑर्डर आधार PVC कार्ड, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आप लोगों के सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में अपना 12 अंकों का आधार नंबर डाल देना है और यहाँ पर इस बॉक्स में ये कैप्चा कोड है, ये यहाँ पर डाल देना है। अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से क्लिक करके दोबारा से नया कैप्चा कोड आ जाएगा, इस पर क्लिक करके। और यहाँ पर आपको माय मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है तो नहीं करना है। ये दोनों चीज़ डालने के बाद में आपको यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। फिर ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल, तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है उस पर एक OTP गया होगा, तो उसमें 6 अंकों का कोड होगा, वो कोड आपको नीचे बॉक्स में डाल देना है। दोस्तों, OTP डालने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये देखिएगा दोस्तों, फिर आप लोगों के सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये हमारी फ़ोटो आ गई है, यहाँ पर हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये हमारा एड्रेस, तो जो आधार कार्ड पे आपका एड्रेस रहेगा उस एड्रेस पे आपका PVC कार्ड, आधार कार्ड पहुँच जाएगा। ये देखिएगा दोस्तों, ये PVC कार्ड आपका इस तरीके से रहेगा। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। फिर आप लोगों के सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको चॉइस है पेमेंट ऑप्शन, तो टोटल पेएबल अमाउंट 50, तो आपको यहाँ पर 50 रुपये की पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप अपने ATM कार्ड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI जो भी हो आपके पास, उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास जैसे ATM कार्ड है तो यहाँ पर आपको ये कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर डाल देना है, यहाँ पर एक्सपायरी डेट, यहाँ पर CVV नंबर, यहाँ पर नेम ऑफ कार्ड, यहाँ पर आपका जो कार्ड पे नेम है आपका वो डाल देना है। उसके बाद में यहाँ से ये सब डिटेल डालने के बाद में यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आपकी पेमेंट होगी, आपके सामने रसीद ओपन हो जाएगी, तो उसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। वो RSN नंबर रहेगा आपका, तो उससे आपका स्टेटस पता चल जाएगा कि आपका PVC कार्ड कहाँ पर है अभी। तो दोस्तों, आपको जो RSN नंबर प्राप्त होगा वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको फिर से आधार कार्ड की साइट पे जाना है। अपने PVC कार्ड का स्टेटस देखने के लिए आपको यहाँ पर आधार कार्ड की साइट पे फिर से जाना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर ये चेक योर PVC कार्ड स्टेटस, इस पर क्लिक कर देना है आप लोगों को। फिर उसके बाद में दोस्तों इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एंटर RSN नंबर, तो यहाँ पर आपको जो रसीद
में जो नंबर मिलेगा वो आरएसएन नंबर, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। और उसके बाद में यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है, और यहाँ पर इस बॉक्स में ये कैप्चा कोड है वो डाल देना है। उसके बाद में चेक स्टेटस, तो यहाँ से आप अपना आधार कार्ड पीबीसी कार्ड को चेक कर सकते हैं कि उसका क्या स्टेटस है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।